राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर अपनी छठवीं जन सुनवाई की, जिसमें 30 प्रकरणों में 11 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जन सुनवाई की। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 21 जुलाई 2020 को डॉक्टर नायक ने अपना कार्यकाल आरंभ किया और अपने कार्यकाल की आज की उन्होंने 191वीं सुनवाई की। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में आज उनकी छठवीं जन सुनवाई थी, जिसमें कुल 30 प्रकरण रखे गए थे। इनमें से 11 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए एवं आयोग कार्यालय रायपुर में 4 प्रकरण को स्थानांतरित किया गया। शेष प्रकरणों की सुनवाई आगामी महिला आयोग की जन सुनवाई में की जाएगी। गौरतलब है कि लगातार 2.5 साल से महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक द्वारा सक्रिय रूप से जन सुनवाई की जा रही है, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक और अन्य प्रकरण का निराकरण जनहित में करने का प्रयास आयोग द्वारा किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीति में भी आयोग लगाम कसने में सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत उसने सर्वाधिक राशि 1,63,000 रुपए समाज से पीड़ित को दिलवाई। इस संबंध में न्यूज टीम को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छठवीं जन सुनवाई है और आज हमारे पास 30 प्रकरण थे, जिसमें से 10 प्रकरण पूरी तरह नस्तीबद्ध हो चुके हैं। 4 प्रकरण को रायपुर सुनवाई के लिए रखा गया। अभी कुछ मामले 7-8 मामले ऐसे हैं जिसमें कि एकल पक्षकार हैं, उन्हें अभी सुना जाना बचा हुआ है। उसको लेकर और कोई उपलब्धि जैसे किस जी हाँ, आज जो केसेस हैं उसमें हमारे पास जो विशेष रूप से है कि एक प्रकरण में 6.5 लाख रुपए आवेदिका को वापस मिलेगा, क्योंकि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके पूरी जमा पूंजी और पोस्ट ऑफिस में सेविंग को उसके ससुराली रिश्तेदारों ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो रायपुर उस केस को ट्रांसफ़र किया गया है। और एक प्रकरण का सामाजिक बहिष्कार का, जिसमें 17,000 रुपये आवेदिका को वापस मिलेंगे। एक और सामाजिक बहिष्कार का प्रकरण था जिसमें 7,000 रुपये आवेदिका को मिल गए हैं तो वापस ले लिया उसने। एक प्रकरण में प्रधान पाठक पति ने बिना पत्नी को तलाक दिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से दूसरा विवाह किया है, तो उसे थाना उतई और थाना तुमड़ी बोर्ड के माध्यम से आयोग में आवश्यक उपस्थिति के लिए रखा गया है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।